हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी है कि भारत सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब 10-15 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने अपने खाद्यान्न निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हाल ही में अभी भारत सरकार ने अपने खाद्यान्न निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया है, और उन प्रतिबंधों के पीछे की क्या रणनीति रही है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए, भारत ने प्रतिबंध तो लगाए ही हैं, प्लस अगर मैं बात करूं कि जब से रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है ना, भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये आपको भी पता है। ठीक, आप देख रहे हैं कि युद्ध के बाद में जितने भी वैश्विक नेता थे, धीरे धीरे करके भारत आने लगे। ठीक, और ये सबसे बड़ा परिणाम रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ठीक, आपको पता होगा कि जब पहली बार, यानी मैं बात करूं अगर मैं PM1 की, जब प्रधानमंत्री साहब पहली बार प्रधानमंत्री बन के आते हैं, तो उन्होंने अपने 2 साल में क्या हुआ कि बहुत सारे विदेश दौरे करने लगे। आपको भी पता होगा कि शायद प्रधानमंत्री साहब ऐसे भारतीय इतिहास के प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने पहले ही 2 साल में 60 से 70 देशों की विदेश यात्रा संपन्न कर डाली, और इसी के वजह से आप देखेंगे कि उनका क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा विपक्ष के द्वारा। ठीक, हम आते हैं तत्कालिक मुद्दों पे। अभी आप देखेंगे कि भारत बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात कर रहा था गेहूं का। ठीक, इसके पहले अगर मैं बात करूं तो भारत जो निर्यात कर रहा था गेहूं का, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इसके साथ ही आपका नेपाल हो, या गल्फ कंट्रीज हो, इन या इवन यूरोपियन कंट्रीज भी आप ले लीजिए, तो इन सारे देशों में भारत अपना गेहूं का निर्यात करता था। ठीक, अभी पिछले 2 महीने पहले भारत ने WTO से, ये एक तरीके से कह लीजिए कि रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया या बातचीत किया कि भारत के निर्यातों को कुछ छूट दिया जाए जिससे कि भारत अपने जो गेहूं का निर्यात है उसे वैश्विक स्तर पर बढ़ा सके। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारत ने अमेरिकी प्रधानमंत्री से, मतलब जो बाइडेन साहब से भी कहा कि भारत अपने नागरिकों का भरण पोषण करने में तो सक्षम है ही, साथ ही भारत वैश्विक स्तर पे जो खाद्यान्न की मांग है उसे भी पूरा करने में सक्षम है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि 13 तारीख को, ठीक, 13 तारीख को बातचीत होती है, और 16 मई को भारत अपना निर्यात प्रतिबंधित कर देता है। ठीक, इसके पीछे के कारण और कितना तार्किक है हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है कि भारत ने जो अपने खाद्यान्न को प्रतिबंधित किया है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। ठीक, सबसे पहले एक चीज आप समझिएगा कि एक वर्ड निकल के आता है WTO। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ प्लीज आप वो समझिए। एक संस्था है WTO जिसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन काम क्या करता है, बेसिकली ये सिर्फ 2 तरीकों को बेसिक काम करता है कि पहला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्यान्न का आयात निर्यात या व्यापार किया जाता है उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अगर कोई विकसित राष्ट्र है और वो निर्यात ज्यादा करता है तो ऐसे स्थिति में उन गरीब देशों को भी पर्याप्त मात्रा में अवसर उपलब्ध कराना जिससे कि वे अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकें और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर अपने उत्पादन के सही मूल्य निर्धारित कर सके और अंतरराष्ट्रीय बाजार पे वो व्यापार कर सके। ये 2 बेसिक काम करता है। ठीक, इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे तो WTO के तहत एक कार्यक्रम चलाया जाता है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत अगर मैं बात करूं तो भारत अपना जो अभी तक गेहूं का निर्यात कर रहा था वो पिछले कुछ सालों में जो हमारा ट्रेड था वो 50 टन के, मतलब 50, मैं बात करूं तो 1 ईयर में भारत अपना $50 अरब के आसपास का ट्रेड करता था, खाद्यान्न की मैं बात करता हूं। भारत ने 2 ही महीने पहले बात की WTO से, कहा कि आप अपने उन कुछ छूट भारत को छूट दिया जाए जिससे भारत अपना निर्यात बढ़ा सके। सबसे बड़ा रीजन था कि अगर मैं गेहूं के वैश्विक स्तर पर व्यापार की बात करूं तो 25% से ज्यादा व्यापार करने वाले में सिर्फ रशिया और यूक्रेन थे,
जितना भी ट्रेड होता है गेहूं का, उनमें यूक्रेन और रसिया ये दो सबसे ज्यादा आयातक देशों सॉरी निर्यातक देशों में माने जाते थे। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, निर्यात हो गया प्रभावित और वैश्विक स्तर पर हो गई मांग। ठीक, जितनी ज़्यादा मांग होगी वैश्विक स्तर पर, आप देखेंगे कि पहली बार कीमतें बढ़ने लगी। और जब भारत ने 16 मई को ये अनाउंस किया कि आज के बाद से हम अपने गेहूं का निर्यात नहीं करेंगे, 16 मई से पहले हमने जिन असाइनमेंट कर रखा था उनका हमने निर्यात किया, और 16 मई के बाद से आप देखेंगे कि वैश्विक परिदृश्य पे जो गेहूं की कीमतें थी वो 36.5 रुपये से ऊपर निकल गई। ऐसा पहली बार हुआ। ठीक, अभी देखिए, आखिर भारत ने जब 2 महीने पहले WTO से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें उन नियमों में छूट दीजिए जिससे हम वैश्विक स्तर पे खाद्यान्न का निर्यात कर सकें और जो जरूरतमंद देश हैं उनकी मदद कर सकें, तो फिर 2 ही महीने के बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि भारत को अपने निर्यात को प्रतिबंधित करना पड़ा? पहला तो मुद्दा ये निकल के आता है। ठीक, देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा WTO की, तो WTO एक तरीके से प्रतिबंध लगाता है, और वो कौन से प्रतिबंध है आप ये समझने की कोशिश करिएगा। प्रतिबंधों में तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भारत का और एक दे रहा हूँ USA का। ठीक, आपको भी पता है कि भारत सबसे ज़्यादा सब्सिडी अपने यहाँ किसानों को देने की कोशिश करता है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, वहाँ की सरकारें अपने किसानों को सब्सिडी के माध्यम से हेल्प करने या मदद प्रोवाइड करती हैं। जैसे अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका अपने किसानों को जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं उन टूल्स में बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने का कार्य करती है, जिससे अमेरिका में देखेंगे कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में उनकी कीमतें काफ़ी नीचे आ जाती हैं। कीमतों में नीचे आने की वजह से जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वो उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं होती और उनकी कीमतें होती हैं कम, इसलिए मार्केट में उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ऐसा अमेरिका के साथ होता है, भारत के साथ भी आपको पता है कि भारत की सरकार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषिगत क्षेत्र हैं उनमें सब्सिडी देने का कार्य करती है, जिसमें कि जैसे आपकी आपको पता है यूरिया पे सरकार सब्सिडी देती है, एग्रीकल्चर टूल्स पे भी सब्सिडी देने का कार्य करती है। और जब भी सरकारें सब्सिडी देती हैं तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो कृषिगत प्रोडक्शन है वो सस्ते हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत में सरकार सब्सिडी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि जो भारत का खाद्यान्न होगा उसमें लागत कम आएगी, जब लागत कम आएगी तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका निर्यात ज़्यादा करेंगे, और सस्ते दामों पर जब निर्यात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी जो वस्तुएँ होंगी या हमारे जो खाद्यान्न होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ये सारे विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र करने की कोशिश करते हैं, तो इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने का कार्य WTO करता है कि अगर कोई भी देश ज़्यादा मात्रा में या एक लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर में देने की कोशिश करता है तो WTO उस पर प्रतिबंध लगाती है। यही प्रतिबंध भारत और अमेरिका पर भी लगा हुआ है कि एक लिमिट के बाद आप निर्यात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 2 महीने पहले भारत ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें जो प्रतिबंध उन प्रतिबंधों में थोड़ा सा रियायत दें जिससे कि हम अपने ट्रेड को बढ़ावा दे सकें और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है उन मांग को पूरी कर सकें। इसके पीछे भारत की सबसे अच्छी रणनीति यह रही है कि इससे भारत में किसान हैं उन किसानों को एक तो उनकी कीमत भी अच्छी मिल रही है, साथ ही साथ में आप देखेंगे कि भारत में जो 2022 में किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है, जब भारत में किसानों को आप देखेंगे कि अगर उनके डिमांड बढ़ रही है, उनके अनाजों का एक सफिशियंट मात्रा में वैल्यू मिल रही है, कीमत मिल रही है, तो भारत के जो किसान है वो प्रोत्साहित होकर किसान मतलब खाद्यान्न को बढ़ावा देंगे। ये दूसरा मुद्दा था। अभी हुआ क्या 16 मई के बाद में, अगर मैं बात करूँ 16 मई के बाद, ठीक, अगर मैं 16 मई से पहले की बात करूं, अगर मैं आपको 1 साल या 2 साल पीछे लेकर के जाऊं, तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में गेहूं के निर्यात हो रहे हैं, निर्यातों में रसिया नंबर 1 पे आता है, उसके बाद आता है आपका यूरोपियन यूनियन, फिर आपका आता है अमेरिका, कनाडा, एंड देन आपका आता है यूक्रेन। अगर आप रसिया और यूक्रेन को देखेंगे तो इनका जो ट्रेड है ये 45% के आसपास है, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये दोनों तो प्रतिबंधित हैं, यूरोपियन यूनियन का भी वही हाल है, अमेरिका भी इस तरीके से देखे तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में भी फंसा हुआ है। अब इसके बाद हुआ क्या, प्रतिबंधित तो हमने कर दिया, लेकिन उनके पीछे के रीजंस मैं अब आपसे डिस्क्लोज करता हूँ। आपको मैं एक बात बताऊँ
कि हमारे यहाँ जितना भी खाद्यान्न उत्पादन होता है, सरकार एक अनुमान के तहत चलती है कि इस बार हम कितना ज़्यादा खरीदारी करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी जो सरकार का अनुमान था कि पंजाब से हम 135 लाख टन की खरीदारी करेंगे, लेकिन खरीदारी हमारी सिर्फ 100 टन के आसपास ही हो पाई, सौ लाख टन के आसपास ही हो पाई है। सो इसके बाद जो हमारी एफसीआई है, एफसीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान समय में हम 5 वर्षों में पहली बार सबसे कम की खरीदारी कर पाए हैं अपने खाद्यान्नों में, गेहूँ की मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे। सो हमारे यहाँ डिमांड भी ज़्यादा है, पिछले 5 वर्षों की तुलना में हमने उनका कम खरीदारी भी किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लगातार निर्यात करते रहे तो कुछ समय के बाद 2004 और 5 वाली स्थिति फिर से कहीं हमारे यहाँ ना खड़ी हो जाए, जैसा कि मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे हुआ था। आपको मैं एक बार इतिहास के में अगर लेके जाऊँ तो आप देखेंगे उस टाइम पे हमने इतना ज़्यादा निर्यात कर दिया कि हमें बाहर से फिर से आयात करने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, सो इतिहास से प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है वो सीख ले रही है कि हम इतना ज़्यादा निर्यात ना करें कि हमें फिर से आयात करना पड़ जाए, क्योंकि भारत सरकार का जो दो कार्यक्रम है, उन दो कार्यक्रमों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ठीक, अगर मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाऊँ, ठीक, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा किन देशों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की तो भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, नेपाल, अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया, इन देशों को भारत सबसे ज़्यादा करता है और इन देशों को सबसे ज़्यादा नीड भी है। ठीक, तो इन देशों को तो भारत को करना ही पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे पड़ोसी देश हैं, इन्हें करना पड़ेगा। श्रीलंका को हम कर ही रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपातकाल की समस्याएं चल रही हैं। अफगानिस्तान में हम पिछले 3-4 सालों से लगातार कर रहे हैं, जब से तालिबान आए तब से भी कर रहे हैं, उससे पहले भी हम कर रहे हैं। तो भारत लगातार इन देशों की मदद कर रहा है, और अगर भारत लगातार विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत ही अपने अनाजों का निर्यात करेगा तो जाहिर सी बात है अगर इन्हें कभी मदद की ज़रूरत हुई तो भारत उसमें सक्षम नहीं होगा, और अगर हमें ही ज़रूरत पड़ी तो हम भी उसमें सक्षम नहीं होंगे, हमें फिर से आयात करना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं आपका ध्यान कुछ पॉइंट्स पे लेके जाऊं तो ये थोड़ा गौर करने योग्य तथ्य है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हमें 2.5 करोड़ टन हमें अपना रिजर्व करना होता है, ये पहला फैक्ट। इसी के साथ ही में अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तो हमें 1 करोड़ टन का रिजर्व करना पड़ता है, इन दोनों को हमें अपना रिजर्व करना है, साथ ही में हमारा बफर स्टॉक अलग से होता है। ठीक, वहीं पे अगर मैं विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करूं तो विश्व खाद्य कार्यक्रम अभी यह कह रहा है कि भारत को अपने जो उसका स्टॉक होल्डिंग है, स्टॉक होल्डिंग से भारत को लगातार निर्यात करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो विश्व बाजार पे मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, ये दूसरा मुद्दा है। इसी के साथ ही मैं अगर बात करूँ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, हालांकि अभी मैं एफसीआई की रिपोर्ट की बात कर रहा था। ठीक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में अभी ये कहा है कि अगर WTO की तरफ से पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में ज़रूरतमंद देशों को अनाज निर्यात करने की इजाज़त दे दी जाए तो भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत निर्यात करने की मांग को स्वीकार कर सकता है। ठीक, हमारे ऊपर प्रतिबंधें भी हैं, ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम है वो भारत से लगातार कह रहा है कि आपका जो स्टॉक होल्डिंग है आप उससे निर्यात करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर हम उनसे निर्यात करने की कोशिश करेंगे तो जो ज़रूरतमंद देश हैं, आप खुद सोचिए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश होगा जिसके पड़ोसी देश कंगाल होने की स्थिति में हो, विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो, सिर्फ भारत ही ऐसा है कि पाकिस्तान अलग कंगाल पड़ा है। एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी पाकिस्तान में चर्चा चल रही है, हालांकि मैं नेक्स्ट सेशन में बात कर लूँगा, कि वो अपने वर्किंग जो उसके गवर्नमेंट वर्किंग डेज है यानी सरकारी वर्किंग डेज है उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अपने फ्यूल के निर्यात को आयात को कम कर सके और उसका जो बजट है उन बजट को थोड़ा सा कम कर सके, जिससे कि वो धीरे धीरे अपनी विकास की पटरी पे है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान का। इसी की बात करूँ श्रीलंका पहले से ही दिवालिया बैठा है। बांग्लादेश की सिचुएशन ये है कि उसके पास सिर्फ 6 महीने का
ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है वो भी अपनी सिर्फ जरूरत की ही वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है, बाकी चीज़ों का उसने प्रतिबंध कर रखा है। नेपाल की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। तो अगर हम इन सारे देशों को ज़रूरत पड़ने पे मदद नहीं करेंगे तो हमें फिर इन देशों यहाँ भी ट्रेड करने का या हमें यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले स्वहित देखा जाता है, इसके बाद में हम ट्रेड की बातें करेंगे। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, भारत यह कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका जैसे कई ज़रूरतमंद देशों को अगर मदद हम नहीं कर पाएंगे, अगर वह विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत अनाज निर्यात की शर्तों को मानता है, ठीक। तो पहला तो मुद्दा ये, और दूसरा मुद्दा ये, और तीसरा मुद्दा मैंने आपको बताया IFC का, और सबसे बड़ी बात है हमारी खुद की ज़रूरतें, क्योंकि हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है कि हमें उनका भी भरण पोषण करना है। यही रीज़न है कि भारत सरकार ने 16 मई को जो डिसीजन लिया हमारे यहाँ के जो अनाज का निर्यात करने का, बैन करने का। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत सरकार का यह डिसीजन कैसा रहा, क्या उसे निर्यात को अभी प्रतिबंधित करना चाहिए या नहीं, या निर्यात को कंटिन्यू करना चाहिए। आप अपना, आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए